नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। इस समय आप ज्ञान गंगोत्री में स्नान कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है इस पुराण परिचय को प्रस्तुत करने में, और अभी तो सिर्फ परिचय की श्रृंखला चल रही है। जब पुराणों का विवरण शुरू होगा तब कितना आनंद आएगा। मैं तो रोमांचित हो जाता हूं इसी बात से। चलिए आज आपको एक ऐसे पुराण का परिचय करवाते हैं जो सबसे प्राचीन पुराणों में से एक माना जाता है। महाभारतकालीन पुराण इसको कहा जाता है। सभी पुराणों की तरह इसमें भी महर्षि वेदव्यास की सबसे पहले स्तुति की जाती है। जयति परासरसूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मय अमृतं जगत पिबति प्रपद्ये देवमीशानं शाश्वतं ध्रुवमव्ययं महादेवं महात्मानं सर्वस्य जगतः पते। इस मंगलाचरण से ही आपको अनुमान लग जाना चाहिए कि ये माहेश्वर यानी शैव महापुराण है। नाम है वायु पुराण। वायु महापुराण श्रीमद् भागवत जब 18 पुराणों का वर्णन करता है तो उसमें शिव पुराण को स्थान देता है, वायु पुराण को स्थान नहीं देता है। लेकिन मत्स्य पुराण में जो श्लोक है, मद्वयम भद्वयम चैव ब्रत्रयम वा चतुष्टयम, जिससे हमने पुराणों का परिचय शुरू किया था, वहां वा चतुष्टय में वायु पुराण का नाम आता है। निस्संदेह जैसे शिव पुराण शिव को समर्पित है, वैसे ही वायु पुराण भी शैव पुराण है। हां, वायु पुराण एक निरपेक्ष पुराण है। जो मैंने पिछले वीडियो में विष्णु पुराण के समय बात की थी कि भाई एक काल ऐसा था जब शैव और वैष्णवों के बीच में कुछ समस्याएं रहा करती थी। मैंने तो आपसे कहा कि राम रावण का जो युद्ध है वो भी इसी का एक स्वरूप है, कृष्ण और बाणासुर का युद्ध भी इसका एक स्वरूप है। लेकिन फिर जो परंपरा प्रारंभ हुई उस परंपरा का प्रतीक ये वायु पुराण भी है। ये शिव को समर्पित है लेकिन फिर भी इसमें विष्णु की स्तुति, वासुदेव कृष्ण का चरित्र उनका भी समावेश हुआ है। वर्णन शुरू करते हैं कि असीम कृष्ण नाम के परम पराक्रमी राजा हैं और उनके प्रशासन काल में समस्त पृथ्वी अत्यंत समृद्ध है, धर्म से भी परिपूर्ण है। ऐसे में ऋषियों ने जब किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है तो धर्म क्षेत्र ऐसे कुरुक्षेत्र में एक दीर्घ यज्ञ सत्र का आयोजन किया। दीर्घ यज्ञ सत्र यानी जो द्वादश वर्षीय हुआ करता है, ऐसे यज्ञ सत्र का प्रारंभ किया। अब देखिए ये हमारी परंपरा है। आज आपको कहीं कोई मेला लगाना है, आज आपको कहीं कुछ करना है, कोई आयोजन करना है, तो भैया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी सभा करनी हो ना तो बस भर भर के लोगों को ले जाना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है, या ये कहिए कि बहुत कम बार ऐसा होता है कि स्वयं लोग पहुंच जाएं, अधिकांशता लोगों को खींच के ले जाना पड़ता है।
लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति की जो परंपरा है, जो धार्मिक परंपराएं हैं हमारे, जो धार्मिक मान्यताएं हैं, उनका तो कुछ अलग ही रंग है। हमारे यहां कुंभ के मेले में न तो लोगों के घर पे चिट्ठियां भेजी जाती हैं, न लोगों को आमंत्रण दिए जाते हैं, लेकिन पूरे देश और विदेशों तक से जो संत महात्मा जिनके जहां जहां अखाड़े होते हैं, जहां जहां जिनकी मंडलियां चलती हैं, वो सब वहां करके एकत्रित होते हैं। ऐसे ही अगर कोई इतना बड़ा द्वादश वर्षीय यज्ञ कहीं आयोजन हो रहा हो, तो भैया जो आमंत्रण की राह देख करके संत महात्मा ऐसी जगह पे एकत्रित नहीं होते हैं, मैं उनको संत महात्मा ही नहीं मानता हूं। जो किसी भी प्रकार के आमंत्रण की राह देखे बिना ऐसे आयोजनों में स्वयं लिप्त होते हैं, वास्तव में संत वही है। यहां भी वो यज्ञ चल रहा है और ऐसे में लोमहर्षण सूत जी नैमिषारण्य से वहां आकर के पहुंच जाते हैं। देखिए, नैमिषारण्य तो उनका स्थान है जहां 88,000 ऋषि बैठ करके और उनकी ज्ञान गंगोत्री का लाभ लेते रहते हैं, लेकिन जब यहां द्वादश वर्षीय सत्र चल रहा है, बहुत सारे लोग एकत्रित हुए होंगे, तो ऐसे स्थान पे सूत जी का आना, यही तो भाई सबसे आवश्यक है। हमारे यहां पुराण लिख करके लाइब्रेरी में रखने के लिए नहीं थे, हमारे यहां पुराण जो हैं वो सिर्फ शोभा के लिए नहीं थे, हमारे यहां के पुराणों की कथाएं जन जन तक पहुंचे, इस कार्य को सूत जी ने, और ये सूत एक परंपरा है, उन्होंने इसको हमेशा आगे बढ़ाया है। यहां जो सूत जी आकर के पहुंचे, उनका नाम है लोमहर्षण। देखिए, एक संयोग है कि मैंने आपसे कहा कि जब मैं ये सोचता हूं कि इन सभी पुराणों की कथाएं जब आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा तो कितना आनंद होगा, मुझे रोमांच हो आता है। इन सूत जी का नाम लोमहर्षण इसीलिए है कि ये जब कथा प्रस्तुत करते हैं और उन कथाओं को लोगबाग सुनते हैं तो उनको रोमांच हो जाता है। आपको पता है कि रोम राशि जो शरीर की है, वो जब रोम राशि एकदम से खड़ी हो जाती है तो उसको रोमांच कहते हैं, और रोम को संस्कृत में लोम कहते हैं। तो यही लोम हर्षण जो प्रसन्नता से खड़े कर दे लोगों के रुए, उनको लोम हर्षण कहा गया है। जैसे वो आकर के पहुंचते हैं तो भैया आमंत्रण के बिना आए हैं, किसी ने उनको आमंत्रण नहीं भेजा है, वो कोई मुख्य अतिथि या मुख्य वक्ता के रूप में नहीं आए हैं, लेकिन व्यक्ति का अपना एक नाम होता है, अपनी एक प्रतिभा होती है जिसके कारण वो जाना जाता है। जैसे वहां यज्ञ सत्र में आकर के पहुंचे हैं, सभी उनकी स्तुति करने लग जाते हैं और कहते हैं कि आप जैसा बहुश्रुत नहीं देखा। अरे, आपने तो अपने गुरु महर्षि वेदव्यास को, मतलब आप ऐसे उनके मेधावी शिष्य थे कि जिन्होंने पूरी तरीके से अपने गुरु का दोहन कर लिया। देखिए, हर गुरु ऐसे शिष्य की अपेक्षा रखता है, हर गुरु ऐसे शिष्य की कामना करता है जो शिष्य उसके पास से समस्त विद्याओं को प्राप्त कर रहे। कहते इतिहास पुराणार्थम व्यासः सम्यग उपासिता। आपने इतिहास और पुराणों को जानने के लिए महर्षि वेदव्यास की सम्यक उपासना की है। दुदोह वही मतिम तस्य त्वम पुराणाश्रयाम कथाम। और आपने पुराणों की इन कथाओं के लिए जैसे कि उनकी समस्त बुद्धि का दोहन कर लिया है। फिर से समझ लीजिए, ये पुराण काल जो वास्तविक पुराण का काल है, वो काल वह पुराणकार लेखनी का काल नहीं था, मैं तो कहता हूं लिपि का भी काल नहीं था, वो पुराणकाल श्रुति परंपरा का काल था। जैसे हमारे यहां वेद श्रुति रूप में थे, ऐसे ही पुराण भी हमारे यहां प्रारंभ में श्रुति रूप में ही थे। तो आपने तो उनका दोहन किया है और ये जो कुछ आपके पास है, आप हमें वो सब सुनाइए। सूतः प्रत्युवाच शुभाम गिराम,
तब वो सूत जी लोमहर्षण जी श्लक्षणाम चा न्याय युक्त संयुक्ताम याम ब्रूयात लोमहर्षण, अत्यंत न्यायपूर्वक प्रेम पूर्वक, और जिसको आप कहें कि विज्ञान युक्त आख्यानों को प्रस्तुत करना शुरू करते हैं। देखिए आज कई बार जो कथा कहते हैं, जो बड़े बड़े व्यासपीठ से बैठे हुए वक्ता हैं, वो इन चीजों को भूल जाते हैं। देखिए आप जो भी कथा प्रस्तुत करते हैं, अगर उन कथाओं में लॉजिक नहीं होगा तो सिर्फ श्रद्धा भक्ति के आधार पे आपकी कथा को आपके जो अनुयायी हैं, जो आपके परम भक्त हैं, बस वही उसको मानेंगे। बाकी के लोग आपकी बातों पे मीम बनाएंगे और उसको हास्यास्पद मानेंगे। वास्तविकता यह है, यहां जो लोमहर्षण जी ने किया है, एक वक्ता के रूप में उन चीजों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए प्रत्येक वक्ता को। सबसे पहले जो सूत जी हैं, सभी का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि भाई मैं तो यहां आया था और आपने इतना मान सम्मान, इतना सब कुछ मुझे प्रदान किया है, और ये जो मुझे कार्य सौंपा है, मैं इसके योग्य नहीं हूं। फिर वो सूत क्या है और सूतों के जन्म की कथा क्या है, ये सौती परंपरा क्या है, उसकी बात करते हैं। जब एक क्षत्रिय राजा किसी ब्राह्मण योनि से, यानी किसी ब्राह्मण स्त्री के साथ समागम करके संतान को जन्म देता है, तो वो संतान उस क्षत्रिय राजा की तरह पराक्रमी होती है, लेकिन जो ब्राह्मण मां का अंश है वो उसको बुद्धिमान और विद्वान बनाता है। इसीलिए आप देखिए कि इन लोगों को राजा के सारथी के तौर पे रखा जाता था, जो हर विपत्ति में, बहुत बड़ा कार्य है, अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण थे, तो राजाओं का सारथी बनना, यानी राजा संपूर्ण विश्वास जिसके ऊपर कर पाए, और पराक्रमी तो ये जो विराट पर्व में कथा आती है कीचक, वो ये सूतवंशी था। तो तात्पर्य ये है कि ये जो पूरी परंपरा है, ये हमारी तो वर्ण संकरों की परंपरा रही है, जिनको सीधे तौर पे वेदों के अध्ययन का भी अधिकार नहीं है। ये तो आप लोग हैं जो मुझे इस उच्च स्थान पे बैठा करके और मेरे पास से ये सब सुनना चाहते हैं। इस प्रकार से सूत जी उस कथा को कहना प्रारंभ करते हैं। इतिहास पुराणेषु दिष्टा ये ब्रह्मवादी भी, जो ब्रह्म को जानने वाले हैं। देखिए थोड़ा सा हम इस परंपरा को समझें, वेदों में जो बातें रहस्य रूप में प्रस्तुत की गई हैं, वहां मंत्रों में ये जो पौराणिक राजा हैं, इन सब की कथाएं पाई जाती हैं, चाहे वो ययाति हों, चाहे वो शुक्राचार्य हों, चाहे वो शर्मिष्ठा हों, चाहे शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी हों, उनके पुत्र हों तुर्वसु हों, या यदु पुरु, ये जितने हैं इन सब का उल्लेख हमारे वेदों में पाया जाता है। और ये वेदों में नक्षत्रों के रूप में वर्णित हैं। अब जब हम पुराण काल में आते हैं तो यही सारे नक्षत्र यहां हमें लौकिक राजाओं के रूप में वर्णित पाए जाते हैं, और जो सिर्फ इनको कथाएं समझते हैं वो इनके रहस्य तक नहीं पहुंचते। जो वेदों के उस रहस्य को जानते हैं
और फिर पुराणों को पढ़ते हैं या पुराणों को पढ़ के जो वेदों तक जाते हैं वही इस रहस्य को जान पाते हैं कि पुराण में जो कथाएं हैं वो सिर्फ लौकिक कथाएं नहीं है, ये तो वेद मंत्रों की ही ऋचाएं जो वहां पे हैं वही यहां कथानक के रूप में आ गई। चलिए, जो सभी पुराणों का वर्ण विषय होता है, सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मन्वंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम, तो यहां पे भी उसका प्रारंभ होगा। लो महर्षण जी कहते हैं, पुराणम संप्रवक्ष्यामि यदुक्तम मातरश्विना। भाई, वायुदेव ने जो पुराण सुनाया था, जो कथा सुनाई थी, आज वो कथा मैं आपको सुनाता हूं। देखिए, सूत जी तो सभी कथाओं से परिचित हैं। आप क्या सुनना चाहते हो? ऋषियों ने कहा कि ये तो हमारा सुना हुआ है, कुछ और सुनाइए। तो उनका आज मातृश्वा ने यानी वायु देव ने जिस कथा को सुनाया था, महेश्वरः परो अव्यक्त चतुर्बाहु चतुर्मुख, जो महेश्वर शिव हैं वही इस पूरी सृष्टि का आधार हैं, इसलिए उनको आधार बना करके वायु ने जिस कथा को सुनाया था वायुदेव ने, आज वही कथा हम आपको सुनाते हैं। यहां पे एक बड़ी ही सुंदर कथा इसी कथा प्रसंग में आती है, नैमिषारण्य क्षेत्र को लेकर, जहां से सूत जी आए हैं। सभी ऋषि इस चीज से बड़े व्याकुल हैं कि जैसे जैसे समाज विकसित हो रहा है, यहां पे पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, ये सारी चीजें बढ़ती चली जाती हैं, जिसकी वजह से हम योग्य रूप से ईश्वर आराधन या जो ऋषि मुनि के कार्य हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से एक प्रश्न किया कि महाराज, कोई ऐसा स्थान बताइए कि जहां पे हम इन सब जंजालों से मुक्त होकर के अपनी ऋषि परंपराओं का निर्वहन कर पाए। तब उन्होंने एक धर्म चक्र को वहां से प्रस्थान करवाया और कहा, इस धर्म चक्र का अनुकरण करते करते आप लोग चले जाओ। ये धर्म चक्र जिस जगह पे जाकर के रुक जाए, देखिए चक्र है, पहिया है, वो तो जब तक चलता रहेगा, लेकिन हमेशा तो नहीं चल सकता है। जब उसकी गति खत्म होगी वहां पे उसको गिर जाना पड़ेगा, या उसकी गति में कोई अवरोध आ जाएगा वहां जाकर के वो रुक जाएगा। तो आप इसका अनुकरण कीजिए जहां ये चला जाएगा। अब चलते चलते वो धर्म चक्र जो है ना, उसकी निमी चक्र पहिया जो होता है, ज्यादातर लकड़े का बना होता है और उसके ऊपर लोहे की एक रिंग चढ़ाई जाती है जिसको निमी बोला जाता है। वो निमी जिस जगह पे जाकर के गल के खत्म हो गई, जहां वो चक्र गिरा, उस जगह का नाम अरण्य था। निमी उस जगह पे जाकर के पहुंची है, ऐसे उस जगह का नाम नैमिषारण्य हुआ है और आज भी वो जगह इसी रूप में जानी जाती है। मैं तो वहां बचपन से रहा हूं, विद्यार्थी रहा हूं, और इस कथा को कई बार मैंने लोगों के मुंह से सुना और लोगों को सुनाया भी था। आज वायु पुराण से ही ये कथा आती है, इसलिए पहले आपको ये कथा सुना दी। ये सूत जी वही नैमिषारण्य से आए हैं, उसी जगह से आए हैं, और बचपन मेरा भी वहां बीता है, तो आया तो मैं भी वहां से हूं, लेकिन जिस कार्य हेतु सूत जी वहां थे, वहां व्यासपीठ है, महर्षि वेद व्यास वहीं पे अपने शिष्यों को सारा ज्ञान दिया करते थे, इस प्रकार का उल्लेख पाया जाता है, तो वहीं से मैंने भी बहुत कुछ ज्ञान अर्जित किया है। बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं जब अपने उस बचपन को जो मैंने नैमिषारण्य में गुजारा है उसको याद करता हूं। वायु पुराण, इसमें 112 अध्याय है, 104 अध्याय तक में सभी चीजों का वर्णन आ जाता है। बाद के
जो अध्याय हैं उनमें गया श्राद्ध का वर्णन है, लेकिन गया श्राद्ध का वर्णन तो पहले भी आ चुका है, इस हिसाब से वो प्रक्षिप्त मालूम पड़ते हैं। कुल मत्स्य पुराण कहता है कि इसमें 24,000 श्लोक थे, लेकिन वर्तमान जो वायु पुराण है उसमें पूरे 11,000 श्लोक भी नहीं मिलते हैं। अगर इन प्रक्षिप्त अध्यायों को निकाल दिया जाए तो संख्या उससे भी कम हो जाती है। जैसे सर्ग का प्रारंभ होता है ब्रह्मा जी की सृष्टि से, उसका प्रारंभ होता है, फिर प्रियव्रत उत्तानपाद की कथा, दक्ष प्रजापति की कथा, और खास करके धर्मस्य हिंसायाम तामसो अशुभ लक्षणा, ये प्रारंभ हो गया है कि धार्मिक हिंसा भी जो है वो अयोग्य है, वो नहीं होनी चाहिए। महेश्वरस्य सत्याम चा प्रजा सर्गः प्रकीर्तिता, और जो महेश्वर शिव हैं वही सर्वे सर्वा हैं। तो इस परंपरा में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती और शिव के विवाह की कथा, और उस परंपरा को आगे बढ़ाया गया है किस प्रकार से स्वयं शिव ने ब्रह्मा के अंगों से रुद्र के रूप में अवतार लिया है और वो रोए हैं, इसीलिए रुदन करने से उनका नाम रुद्र पड़ा है। तो अष्ट रुद्रों की कथा यहाँ पे पाई जाती है। यहाँ पे भौगोलिक वर्णन बहुत ही सुंदर है। कई बार हमें ये काल्पनिक लगता है, लेकिन ये काल्पनिक नहीं है, ये वास्तविक है। देखिए, जिसको हम जम्बू द्वीप कहते हैं, ये सिर्फ भारतवर्ष नहीं था, संभवतः आप जिसको एशिया कहते हैं इस समय, जम्बू द्वीप एक बड़ा भूभाग था। जब भी इसका वर्णन आता है तो आप मान लीजिए कि भरत की माता कैकेयी, कैकेयी देश की राजकुमारी थी जो इस समय का ईरान है। इसी प्रकार से यहां चीन तक, दक्षिण तो लंका का उल्लेख आपने रामायण में भी सुना है, और इधर आप देखें तो जो रसिया के भाग हैं, तुर्किस्तान वगैरह, वहां तक का पूरा प्रदेश हमारे पुराणों का वर्ण विषय रहा है। यानी जिसको आप जम्बू द्वीप कहते हैं वो इन सारे प्रदेशों तक व्याप्त था। लेकिन चूंकि हमारा सनातन धर्म जिस संस्कृति की अपेक्षा रखता है, वो संस्कृति इन सभी जगह पे प्रचलित हो पाए ये संभव नहीं था। देखिए, संस्कृतियां जो है ना वो भौगोलिक और वातावरण के आधार पे डेवलप होती है। आप अगर गंगा यमुना के बीच में हैं, जहां परिपूर्ण मात्रा में आपको अनाज अन्न मिल सकता है, वहां आप मांसाहार न करें तो चल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी समुद्र के किनारे हैं, जहां नमकीन जमीन होने की वजह से खेती तो हो नहीं पाएगी ठीक से, और आपको जो समुद्र में से मिलता है वही खाद्यान्न जरूरी है, तो फिर आपको मछली खानी पड़ेगी। और इसी प्रकार से जो कुछ इस प्रकार के पर्वतीय प्रदेश हैं उनका भी परिणाम रहेगा। महाराज मनु ने भी अपनी मनुस्मृति में इस बात को कहा है कि भाई जो लोग भारतवर्ष में रहते हैं उनके आचरण ऐसे हैं, स्वम स्वम चरित्रम क्षेरण, कि जो अपने चरित्र से ही समाज को यह शिक्षा देते हैं कि समाज को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। यहां पे भी सूत जी जब भारतवर्ष का वर्णन करते हैं तो खिल उठते हैं, उनको लगता है कि बस यही क्षेत्र ऐसा है जहां रह करके सब कुछ किया जा सकता है, सारे जितने भी धर्म कार्य हैं, जितने भी श्रेष्ठ कार्य हैं वो यहाँ पे किए जा सकते हैं। तो इन भौगोलिक वर्णनों में जम्बू द्वीप में, जैसा कि हम कहते हैं कि प्लक्ष द्वीप और भारतवर्ष, इन सब का तो वर्णन आता ही है। यहाँ पे जो पर्वत हैं, हिमवान, हेमकूट, निषद,
मेरु, नील, श्वेत, शंख और वर्ष पर्वत, इन सब का उल्लेख पाया जाता है। यानी कि ये काफी बड़ा भूभाग है, जैसा कि मैंने आपसे कहा। इसी प्रकार से बहुत सारी नदियों का वर्णन पाया जाता है। मानसोत्तर मूर्धनि महेंद्राद्या सवा पुण्या, और जो मानसरोवर है उससे उत्तर में इंद्र की सभा हुआ करती थी, यानी स्वर्ग का उल्लेख पाया जाता है। यहां पे अहो विश्वतस्तस्या, यानी विश्वत रेखा का भी उल्लेख पाया जाता है। शिशुमार यश्च पुच्छे ध्रुवः स्थितः, यहां अगर हम खगोलीय वर्णन देखें तो शिशुमार का वर्णन है, जो वर्णन विष्णु पुराण में भी पाया जाता है, और उसके पुच्छ भाग में ध्रुव तारा स्थित है। ये देखिए, अगर हमें किसी के समय को जानना है तो हमें इस प्रकार के जो खगोलीय वर्णन है उनके आधार पे ही उसका समय आप मूल्यांकित कर सकते हैं। और आधार आपके पास इस प्रकार के नहीं बन सकते हैं इतनी पुरानी पौराणिक कथाओं को जानने के लिए कि उनका समय क्या है। तो यहां पे भी इस प्रकार का उल्लेख पाया जाता है। यहां पुरुरवा जो इला पुत्र हैं उनकी सृष्टि का वर्णन है। देखिए, यहां सृष्टि वर्णन दो बार पाया जाता है। एक वर्णन पाया जाता है कि ब्राह्मी सृष्टि है, जो वैदिक परंपरा है उसका वर्णन है, कि उस सृष्टि में किसके यहां कौन हुआ, किसके यहां कौन हुआ, उसका वर्णन पाया जाता है। और फिर जब वंशानुचरितम आता है तो भाई जो वंश में राजा हुए उनमें श्रेष्ठ श्रेष्ठ राजाओं का चरित्र प्रस्तुत भी तो करना पड़ेगा, तो फिर से ये सारे वर्णन दोबारा से आ जाते हैं। यहां युग संख्या का भी वर्णन है, प्रतियुग का काल कितना है, त्रेतायुग का काल कितना है, द्वापर का काल कितना है, कली का काल कितना है, मन्वंतरस्य संख्या चा मानुषेण प्रकीर्तिता, कितने मन्वंतर हैं, किस मन्वंतर में कौन मनु हुए हैं, उनका क्या महत्व है, प्रजा के उत्सर्ग का, प्रथु ने किस प्रकार से भूमि का दोहन किया जिसके आधार पे इस भूमि का नाम पृथ्वी पड़ा है, वो महाराज प्रथु की कथा विस्तार के साथ यहाँ सुनाई गई है। जो राजा हैं उनके वर्णनों में यहाँ अत्यंत, जिसको मैंने कहा कि लोमहर्षण सूत जी ने बड़ा लॉजिकली इसको सुनाया है। ये कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि उन्होंने इसमें पूरी सांस्कृतिक या जिसको आप सभ्यता कहते हैं उसके विकास की एक परंपरा हो इस प्रकार से बताया है कि प्रारंभ में जो मानवी था वो इस प्रकार से कपड़े पहनने वाला सुसभ्य नहीं था। कई बार हमारे वकील साहब हैं, वो भी कभी कभी अपने प्रश्न, कुछ इस प्रकार के प्रश्न भी रख देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम आज की संस्कृति के हिसाब से उस समय की संस्कृति का मूल्यांकन करने बैठ जाते हैं। हम आज की परिस्थितियों के हिसाब से उस परिस्थिति का मूल्यांकन करने बैठ जाते हैं जो परिस्थिति आज से हजारों वर्ष पहले की है। मैं यहां शताब्दियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां सहस्राब्दियों की बात कर रहा हूं। अब ये एक भारतीय परंपरा का सौभाग्य है कि पुराणों के रूप में हमें इस प्रकार की जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, उसको हम जान पाए इसके अवसर मिलते हैं। लेकिन उनमें कहां और कितने अधिक मात्रा में लोगों ने उनको बिगाड़ने के लिए, उनके अर्थघटनों को खराब करने के लिए जो प्रक्षेपण किए हैं, जिनको वास्तव में संस्कृत का ख्याल नहीं आता है, जिनको एक समय के श्लोक और दूसरे समय के श्लोक के बीच का अंतर नहीं मालूम पड़ता है, वो लोग उन प्रक्षिप्त अंशों को आधार बना करके तरह तरह के प्रश्न खड़े करते हैं। कई बार तो ऐसे प्रश्न पूछने वाले लोग
संस्कृत जानते ही नहीं है, उन्होंने खाली ट्रांसलेशन पढ़ा होता है जो हिंदी या किसी अन्य भाषा में होता है और उसके आधार पर ही प्रश्न पूछते हैं। तो जैसे मैंने भविष्य पुराण के समय कहा था कि महारानी विक्टोरिया तक का वर्णन आ गया, उनकी सभा तक का वर्णन आ गया, तो ये तो आपको स्पष्ट मानना ही पड़ेगा कि अंग्रेजों के काल में ये पूरा प्रक्षिप्त हुआ होगा, क्योंकि मैंने तब भी कहा था कि कोई भी भविष्यवाणी जो है किसी राजा के नाम के साथ नहीं की जा सकती है। ये कहा जा सकता है कि कलयुग का एक इतना अंतराल के बाद समय आएगा जहां इस तरीके का राजा होगा, कुछ इस तरीके की बातें होंगी, ऐसी भविष्यवाणी तो संभव है, चाहे वो पुराणों में की गई हो चाहे कहीं भी की गई हो। अगर नाम के साथ कोई कथानक आ जाता है, कोई वार्ता आ जाती है, कोई स्टोरी आ जाती है, तो ये मान लीजिए कि प्रक्षेपण के अतिरिक्त वो कुछ नहीं। और जब इस प्रकार के प्रक्षेपण किए जाते हैं तो ऐसे ही लोग जो हमारी संस्कृति में निष्कलंकता है उसको कलंकित करने के लिए कुछ अंश बीच बीच में भी इसमें प्रक्षेपित कर दिया करते हैं। लेकिन यह हमारा सौभाग्य है जो वायु पुराण हमें मिलता है उसमें इस प्रकार के प्रक्षेपण नहीं बत पाए जाते हैं, इसलिए इसकी जो कथाएं हैं इन कथाओं को बड़ा ही ऑथेंटिक समझना चाहिए, जो क्योंकि जब ये भी कथा लोगों तक पहुंची है तो उसमें भी प्रक्षेपण तो हुए हैं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं बस इतने अधिक नहीं हैं कि जिसकी वजह से हम चलना लगा करके ही बैठे रहें। जो स्थिति हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण की है, जो स्थिति हमारे महाभारत की हो गई है, रामायण में भी प्रक्षिप्त अंश पाए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति यहां नहीं है। चलिए, यहां सूर्यवंशी राजाओं का जब वर्णन होता है तो बृहद्वल तक, सूर्य से शुरू करके वहां तक के राजाओं का वर्णन पाया जाता है। ये कुछ 92 जितनी पीढ़ियों का यहां पे वर्णन आ जाता है। इसी प्रकार से ययाति का चंद्रवंशी राजाओं में वर्णन होता है, यदुवंश की पूरी परंपरा का वर्णन होता है कंस से लेकर के, और मैंने कहा कि यहां भले ये माहेश्वर यानी शैव महापुराण है लेकिन श्री कृष्ण का चरित्र भी विष्णोर जन्म प्रजापते, इस प्रकार से श्री कृष्ण के चरित्र का भी यहां पर वर्णन किया गया है। विशेष रूप से जो मैंने आपसे कहा कि यहां देवयानी, उनके पुत्र यदु, तुर्वशु, ऐसे ययाति के जो अन्य पुत्र थे अनु, दुह्य, पुरु, यदु, इन सब का भी विस्तार से वर्णन किया गया है, लेकिन इनके वर्णन में वो वैदिक जो थोड़ी परंपरा है उसकी असर यहां पाई जाती है, क्योंकि ये प्राचीन पुराण है और इसीलिए इस पुराण का महत्व हमारे लिए बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि अगर हमें कुछ ऐतिहासिक तथ्य चाहिए, अगर हमें कुछ कथाओं का वास्तविक स्वरूप चाहिए, तो हमें वायु पुराण के पास अवश्य जाना चाहिए। चलिए, यहां पे व्यक्त अव्यक्त की चर्चा करते हुए जिसको हम कहते हैं कि हमारी संस्कृति का मूल आधार है ज्ञान, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसकी भी बात की गई है। जो मैंने आपसे कहा कि सद्गुणी प्रयोगों में ब्रह्मा जी के पास स्वयंभू मनु से लेकर के और सभी ऋषि पहुंच गए कि महाराज हम तो थक गए हैं, यहाँ पे अब जो है ना प्रजा के अंदर बड़ी समस्या है, तो उन्होंने वो नैमिषारण्य जो स्थान है उसकी जो शोध की है, उसके लिए जो मार्गदर्शन दिया है, उसकी भी कथा यहीं पे पाई जाती है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपुरुहेत, जो महाभारत की ये पंक्ति है उसी के साथ इस वायु पुराण का भी उपसंहार किया जाता है। और यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि महर्षि वेदव्यास जो विष्णु के ही अवतार हैं, उनके पास से ये पुराण रूपी अत्यंत प्राचीन ज्ञान, यहां पे भी पुराण की परिभाषा दी गई है, यस्मात् पुरा यनतीदं पुराणं तेन तत् स्मृतम्। भाई, जो अत्यंत प्राचीन हो है, जो मतलब हमने देखा तो नहीं है लेकिन शायद हमारे लिए कल्पनातीत है, इसलिए इसको पुराण कहा गया है। तो चलिए भैया, ये वायु पुराण जो है अत्यंत महत्वपूर्ण पुराण में से एक पुराण है।
हमने आपके सम्मुख इसकी चर्चा की। अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए और साथ में आपके कमेंट भी कीजिए। अगर आपको मेरी इस शैली में किसी परिवर्तन की आवश्यकता है या कुछ आप और इसमें चाहते हैं तो अभी बता दीजिए, क्योंकि फिर अभी हमारे पास थोड़ा समय है। 5-6 पुराण हो गए हैं, कुछ हैं जो आ जाएंगे, लेकिन जब पुराणों की कथा शुरू करें तो फिर आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये और होता ना तो और अधिक मजा आता।